बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर एंड लेट्स बिगिन विद द इट्स लर्निंग आउटकम्स। अच्छा जी, ये अब पर्सनैलिटी है। इसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं MBIT। ये इस मॉडल का नाम है एंड बिग फाइव मॉडल model of the personality and describe the five personality traits that have proved to be the most powerful in explaining individual behavior in organization and explain how emotions and emotional intelligence impact behavior. ye iske iske andar jo hai wo section hai, iske andar learning outcome jo aapka iske andar employees ki perception ya employees ki perception plus managers ki perception, usko hum log dekhenge, iske models ko kuch study karenge. परसेप्शन असल में होती क्या है एंड डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड हाउ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर एंड सेल्फ सर्विंग बायसेस कैन डिस्टॉर्ट एट्रीब्यूशंस और नेम थ्री शॉर्टकट्स यूज इन जजिंग अदर्स। और उसके बाद फिर लर्निंग है जो थर्ड इसका आउटकम है कि लर्निंग क्या होती है और इसके अंदर भी हम लोग कुछ थियोरीज को डिस्कस करेंगे, अपर एंड कंडीशनिंग और इम्पैक्ट ऑफ सोशल लर्निंग फॉर मैनेजिंग पीपल एट वर्क। और उसके बाद फिर लर्निंग की ही कुछ थियरीज हैं, देन कॉन्टेम्प्रेरी इशूज के बारे में बात करेंगे कि OB के अंदर कॉन्टेम्प्रेरी इशूज कौन से हैं। और उसके बाद डिस्क्राइब चैलेंजेस मैनेजर्स फेस इन मैनेजिंग जनरेशन वाई वर्कर्स और जनरेशन वाई जनरेशन एक्स क्या चीज़ है, ये भी हम लोग इसी के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ द वाई लुक एट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द एक्शन ऑफ पीपल एट वर्क एंड द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, अभी आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बिहेवियर जो असल में है वो एक्शन ऑफ पीपल एट वर्क है एंड फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर है। इसके अंदर उनके एटीट्यूड है, एटीट्यूड वे ऑफ एटीट्यूड जो है वो वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल होता है। तो एटीट्यूड और उसके बाद फिर पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी के चीज़ें परसेप्शन ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। द लर्निंग एंड मोटिवेशन इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड देन ग्रुप बिहेवियर्स में नॉर्म्स रोल्स टीम बिल्डिंग लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट ये सारे शामिल आ जाते हैं और ये ग्रुप बिहेवियर्स में आते हैं। अब ग्रुप बिहेवियर्स को ग्रुप बिहेवियर्स को किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है या उनके क्या किस तरह से फॉर्म किया जाता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो असल में होता है कि ग्रुप डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और इंडिविजुअल डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। इंडिविजुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और या समझानी आसान होती हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर जब भी जिस तरह से मैं आपकी पूरी क्लास के साथ जब बात करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट और उसका जो आप लोगों का जो एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। अब मैं किसी एक बच्चे से बात करूंगी तो मुझे शायद बात को समझाना ज़्यादा आसान होगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि अगर ज़्यादा लोग होंगे उनको समझाना मुश्किल होगा क्योंकि सब एक पॉइंट पे नहीं होंगे, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन होंगी एट वर्क प्लेस। अब कुछ लोग प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, क्लास में बैठे हुए भी वो इधर उधर देख उनका जहन घूम रहा होता है। यानी एट द सेम टाइम वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइव्स एट द सेम टाइम, यानी कि हमें अपेरेंटली आप लोग इधर नजर आते हो लेकिन हो सकता है आप अपना अपने ख्यालात में कहीं और किसी और दुनिया में घूम फिर रहे हो। तो ये बिहेवियर्स हैं जिनके थिंकिंग है, आपकी जो थिंकिंग उसको कंट्रोल करना कि आपने अपने आपको किस तरह के एम्प्लॉयज को थिंकिंग या एटीट्यूड को किस तरह से डेवलप किया जाए कि उनके बिहेवियर को अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया जा सके और उनको बिहेवियर को जो एक रिक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं एट वर्क प्लेस उनको इंश्योर किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं कि ये ग्रुप बिहेवियर्स नॉर्म्स रोल्स एंड टीम बिल्डिंग ये सब चीज़ें लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट इन सब को देखते हुए तो उनको किस तरह से मैनेज करने तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसको स्टडी करती है। तो नॉर्म्स यानी सेट की जाती हैं, नॉर्म्स के अंदर आपके कल्चर को इस्टेब्लिश किया जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर ट्रेनिंग्स की जाती हैं
और जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है, जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि इम्प्लॉइज सारे सबका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट हो. एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एक्सप्लेन करना है, प्रेडिक्ट करना है एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर. अब हमारा यानी कि हम लोग किसी भी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक इंसान आपके साथ एक अच्छा सलूक करता है तो आप इन रिटर्न आप ये एक्सपेक्ट करते इन रिटर्न आप उसके साथ एक अच्छा ही सलूक करते हैं. तो ये एक कॉमन आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, टू टाइम्स आ रही है. जी मैम, आपकी आवाज टू टाइम्स आ रही है, डबल दो दो दफा. अच्छा ठीक है अब ठीक है. अच्छा, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर. आपने जो बिहेवियर का मोटिव है वो असल में हमने कि हम लोगों को जानते हैं, एक्सप्लेन कर सकें, उनको प्रेडिक्ट कर सकें कि वो इस तरह का काम करेंगे. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी एक अच्छा सलूक करती है तो इन रिटर्न उसका अच्छा सलूक ही किया जाता है. यानी कि आप एक एम्प्लॉय के साथ अच्छा सलूक करेगा तो एम्प्लॉय बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे और अच्छा पोर्ट्रे करेगा सबसे पहले, और अच्छा ही दूसरे लोगों को शो करेगा. देन टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये हो गया. और इसके बाद आप ये देखेंगे, ये आइसबर्ग है, द ऑर्गेनाइजेशन एज एन आइसबर्ग. आइसबर्ग होता है कि आप लोग ये समंदर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक आइसबर्ग में इसका जो ज्यादा हिस्सा होता है, जिनके ऊपर थोड़ा सा बर्फ का हिस्सा नजर आ रहा होता है ऊपर की साइड पे, जबकि उसके नीचे जो है वो बहुत बड़ा होता है. आप लोगों को याद होगा टाइटैनिक, आप लोगों ने शायद मूवी देखी हो या कुछ. टाइटैनिक जो था वो असल में नजर आ रहा था कि आगे छोटा सारा बर्फ का एक पहाड़ है, तो उसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ को नहीं वो देख सके क्योंकि जो शिप था इतना बड़ा वो उसके साथ जाके टकराया था, जिसको हम लोग आइसबर्ग कहते हैं. यानी कि आइसबर्ग का अपने इस तरह से ज़हन में रखना है कि वो समंदर के नीचे उसकी बहुत बड़ी उसकी बेस होती है, यानी बहुत ज़्यादा, जबकि उसका जो विजिबल पार्ट है वो बहुत छोटा सा होता है. इस वजह से वो इतना बड़ा टाइटैनिक जो था वो तबाह भी हुआ था. अब इसमें जो विजिबल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, यानी कि ये अब आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो विजिबल एस्पेक्ट्स हैं इसके, और विजिबल एस्पेक्ट्स में इसकी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के विजिबल एस्पेक्ट्स हैं. इसके अंदर उसकी स्ट्रेटजीज हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी, फॉर्मल अथॉरिटी एंड चेन ऑफ कमांड, ये सब आपको चीज़ें नजर आती हैं. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नज़र नहीं आती, जो कि हिडन पार्ट्स हैं, हिडन एस्पेक्ट्स हैं, और उनमें एटीट्यूड है, लोग क्या सोचते हैं, परसेप्शंस हैं, लोग क्या परसीव करते हैं आफ्टर योर बिहेवियर, और उसके बाद फिर ग्रुप नॉर्म्स हैं लोगों के, आप लोगों की जैसे आपकी क्लास के अंदर किस तरह की नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. यानी आप इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हो, आपको एक दूसरा सेमेस्टर है और आप एक पहले सेमेस्टर से भी, तो आप एक खास किस्म के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होगे. कल्चर है कि कोई आप कल्चर इस तरह का भी हो सकता है, हेल्पिंग भी हो सकता है, यानी कि हर सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये हेल्पिंग नहीं भी हो सकता कि कोई किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करता, कोलेबोरेट नहीं करता, तो ये नॉर्म्स हैं. लेकिन नॉर्म्स में कोई एक बच्चा भी क्वेश्चन पूछे तो सब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार होते हैं, तो ये नॉर्म्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती हैं. यानी कि और इसको इसकी जो वैल्यूज जो इस्टेब्लिश करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, तो लीडर्स जिस तरह की वैल्यूज को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, यानी कि जिन बिहेवियर्स के ऊपर वो रिवॉर्ड करते हुए नजर आएंगे, एनकरेज करते हुए नजर आएंगे, वो असल में उस ऑर्गेनाइजेशन के का पार्ट बनना शुरू हो जाती है. तो ग्रुप नॉर्म्स, देन इनफॉर्मल इंटरेक्शंस में, यानी कि कुछ तो एक है ना, ऑफिशियली हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
कोई भी काम आपको दिया जाता है तो आप उसके प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ये है ग्रुप नॉर्म्स है, ये सॉरी ये फॉर्मल इंटरेक्शन होगी. तो लेकिन जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन के अंदर आप लोग एक दूसरे के साथ इनफॉर्मली प्ले करते हैं, और यानी कि जिस तरह से फ्रेंडशिप हो जाती है वर्क एट प्लेस. आप लोगों की यहाँ पे पढ़ने आए हैं लेकिन आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों के आपस में फ्रेंडशिप्स हो गई हैं. और इनफॉर्मल इंटरेक्शन है जिसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा भी लोगों से या क्लास के बाद भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सोशली एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और अपना एक खास किस्म का आपने ग्रुप इस्टेब्लिश किए हुए हैं. तो ये क्या चीज़ है कि हिडन पार्ट्स हैं, और वो और फिर इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं. यानी कि एक ग्रुप का कंपटीशन दूसरे ग्रुप के साथ होगा, इसी तरह डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किसी न किसी बेस के ऊपर यानी कंपटीशन की बेस के ऊपर या किसी और बेसिस के ऊपर बहुत सारी और बेसिस के ऊपर ये आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिपार्टमेंट को रिवॉर्ड दे देती है किसी एक बिहेवियर पे, उनके मार्केटिंग है जिस तरह से, और उनके टारगेट्स वगैरह कंप्लीट होते हैं तो उनको उनके साथ उनको रिवॉर्ड दिया जाता है. जबकि फाइनेंस वाले कहते हैं कि हम लोगों का तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, और कि हम लोग कोई काम करेंगे तो हमें उसके ऊपर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. तो अब ये अब इस तरह की जेलसी या इस तरह के फैक्टर्स की इनको ये रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं जबकि हमें ये रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे, तो हम लोगों की भी किसी और तरह से इवेल्यूएशन होना चाहिए या हमारी भी इसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए हमारी पैकेजेस के अंदर या दूसरी चीज़ों की. तो वो डिपेंड तो करता है कि सब उसके मुताबिक ही चल रहे हों. इनके फाइनेंस वालों की सैलरीज ओवरऑल ज़्यादा रखी जाती हैं जबकि मार्केटिंग वालों की सैलरीज को बना दिया जाता है कि कुछ आपकी जो है वो बेसिक्स हैं और बाकी आपके इंसेंटिव्स हैं. तो ये डिपेंड करता है. लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं. कहने का इस पूरी स्लाइड का मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कुछ हिडन पार्ट्स होते हैं जो कि नज़र नहीं आते. आप लोगों के एटीट्यूड है, सपोज हम लोगों की क्लास है, आप लोगों की क्लास के मेरे बारे में क्या आप लोगों का की परसेप्शन डेवलप हो गई है. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से, ये आप लोगों की जो परसेप्शन है ये हिडन एस्पेक्ट्स हैं जो कि मेरे तक नहीं पहुंच रही, और कुछ हद तक पहुँच गई है कुछ हद तक पहुँच नहीं रही. तो ये हिडन कुछ हिडन एस्पेक्ट्स हैं, कुछ विजिबल एस्पेक्ट्स हैं. और विजिबल एस्पेक्ट्स इनकी मैं बना दूंगी, पॉलिसीज बना दूंगी, स्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश कर दूंगी, और चेन ऑफ कमांड्स को बता दूंगी, और ये सारी चीज़ों को बता दूंगी. ये विजिबल हैं यानी कि आपके पास हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आपके पास मटेरियल बुक मटेरियल बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं. लेकिन जो नज़र नहीं आता वो आपको परसेप्शंस, अब मेरे पास भी बहुत सारी परसेप्शंस डेवलप हुई हैं रिगार्डिंग यानी कि अब आप लोगों की क्लास के बारे में या आप लोगों आपके हर इंडिविजुअल के बारे में भी मेरे पास कुछ परसेप्शंस डेवलप हो गई हैं. उनको कुछ लोग इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लोग इंटरेक्ट नहीं करते. जो इंटरेक्ट करते हैं सारा उनके बारे में परसेप्शन भी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, और उनसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं. तो अब वो बात कि जो मैं परसीव कर रही हूँ आपकी क्लास के बारे में वो आप लोगों को नहीं पता, और जो आप लोग मेरे बारे में परसीव कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता. लेकिन हम लोगों के दोनों के कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं जो कि हमारा कोर्स है. अब इस कोर्स के बाद मुझे जाने या ना जाने वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम लोग एट द वर्क प्लेस या जहाँ पर हम लोगों का एक कोर्स है जो कि हम लोगों को ज्वाइन कर रहा है, तो यह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक काम है जो आप सब मेंबर्स को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है, तो वो असल में मैटर करता है. यानी उसकी फुलफिलमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अटेनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारे ये जो है इसको जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं इनको हम लोग डीप स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. अब डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ या वो इस तरह की हो जाती हैं या जो ट्रीटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज के साथ
इस तरह का हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन के एम्प्लॉयज के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उनका ये काम समझ लें या बहुत ज़्यादा काम लोड बहुत ज़्यादा हो गया, वर्क लोड इतना ज़्यादा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि उनके अंदर स्ट्रेस बहुत आना, डीमोटिवेटेड हो गए हैं। तो ये उनको मोटिवेट करने के लिए ज़ाहिर है एक लीडर को जब इन चीज़ों का पता नहीं होगा कि हाँ इस वक्त स्ट्रेस का एलिमेंट आ रहा है एम्प्लॉयज के अंदर या डीमोटिवेशन का एलिमेंट आ रहा है, लोग इस तरह से इस वक्त या एम्प्लॉयज इस वक्त काम करना पसंद नहीं कर रहे, तो ये उसके हिडन एस्पेक्ट हैं जिनको वो फोर्स ही करेगा कोई भी एक मैनेजर कि इस वक्त हमें किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना है और एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेटेड रखना है और इनक्रेज रखना है कि वो काम भी करते रहें और वो सफ़र भी ना हो उनकी चीज़ें। एंड देन एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी है इम्पॉर्टेंट, एम्प्लॉय बिहेवियर में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंश्योर करनी होती है हमने सबसे पहले, परफॉर्मेंस मेजर ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो कि हमारे मेन गोल्स हैं किसी भी मैनेजमेंट के, कि हम लोगों ने किसी भी तरह से इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना होता है किसी भी एक जगह पर। एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन अलग-अलग हैं, जैसे मैंने पूछा भी था आप लोगों से मिडटर्म में कि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी मैंने वैसे लिख दिया था कि दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपके ख्याल में इसको जस्टिफाई करना था आपको कि दोनों किस तरह से इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लो रिसोर्सेज यूसेज भी हो और हाई क्वालिटी भी हो। इफेक्टिवनेस का ताल्लुक आपकी क्वालिटी के साथ है जबकि एफिशिएंसी का ताल्लुक आपके लो रिसोर्सेज के साथ। आपने लो रिसोर्सेज को या मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपने हाई क्वालिटी आउटकम को इंश्योर करना है या आपकी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की या मैनेजमेंट की ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। अब एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी क्यों रहती, परफॉर्मेंस मेजर ऑफ बोथ, क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को इंश्योर करना है, तो इसलिए हमारे पास एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही रिक्वायर्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी भी इसी के थ्रू ही इंश्योर होगी कि एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है उसकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर मेजर होगी, एम्प्लॉय ने कितना ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली या क्वालिटी वर्क दिया तो ये उसकी उसकी प्रोडक्टिविटी में शामिल होगा। एंड देन एब्सेंटिसिज्म, इसको हमने असल में कंट्रोल करना होता है कि लोग कम से कम एबसेंट हों, वो इतने मोटिवेटेड रहे हैं टूवर्ड्स दी वर्क कि वो कभी इसको ना करें। द फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क व्हेन एक्सपेक्टेड तो एब्सेंटिसिज्म कहलाता है। द फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क व्हेन एक्सपेक्टेड ये आपका यानी एब्सेंट हो जाते हैं जब एम्प्लॉयज, तो उसके भी यानी कि एक वक्त में ज़्यादा एक माह के अंदर ज़्यादातर एम्प्लॉयज आपके चले गए हैं तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या एब्सेंट हो जाते हैं किसी न किसी रीजंस की वजह से जो कि उनकी पर्सनल रीजंस भी हो सकती हैं, तो आप लोगों आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है ड्यू टू एम्प्लॉयज एबसेंस। तो उन्होंने अपनी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंश्योर या ऑन बोर्ड रखना है और काम भी उनसे पूरी तरह से लेते रहना। देन टर्नओवर है कि वॉलंटरी और एंड इनवॉलंटरी, अपनी मर्जी से या अपनी किसी और की मर्जी से या ऑर्गेनाइजेशन जैसे नहीं जा रही, इनवॉलंटरी परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टर्नओवर को लाएगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल रेपुटेशन है वो बहुत डाउन चली जाती है कि यहाँ पर कोई काम करना पसंद नहीं करता। तो ये टर्नओवर जहाँ पर हाई टर्नओवर होता है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी लो होती है क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, नए एम्प्लॉयज़ को किस तरह से दोबारा से ट्रीट किया जाता है, दोबारा से ट्रेन किया जाता है, उनको दोबारा से किया जाता है, तो इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, टाइम यूज़ होता है आपकी फिर एम्प्लॉयज़ को ओरिएंट करवाने के लिए ट्रेनिंग्स में चीज़ों में। तो ये असल में ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी हमने इंश्योर जो करनी थी वो लो हो जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ टर्नओवर और इन चीज़ों के ऊपर ही लगी रहेगी। इसीलिए कोई भी एक एम्प्लॉय या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका डिपेंड भी उसी तरह से उस एम्प्लॉय के ऊपर होना शुरू हो जाता है।
और वो किस तरह से ओरिएंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे रहा होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल असल में जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, वो इम्प्लॉयज की कमिटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. और इम्प्लॉयज कमिटमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्प्लॉयज कमिटमेंट की वजह से असल में जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, के वो आपके साथ कमिटेड रहे और आपके बिहाफ पे आपके लिए काम करता रहे अच्छे तरीके के साथ. एन इम्पॉर्टेंट इम्प्लॉय बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है, के जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिशनरी बिहेवियर. डिस्क्रिशनरी बिहेवियर यानी कि जो ऐसा बिहेवियर इम्प्लॉयज़ का जो कि काम के अलावा भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रेजेंट कर रहा है वो भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हो. डिस्क्रिशनरी बिहेवियर और यानी कि अनऑफिशियल भी कह सकते हैं आप इसको, ऑफिशियल बिहेवियर तो एक होगा ही होगा लेकिन एक अनऑफिशियल बिहेवियर भी, यानी कि आप कस्टमर्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, सपोज एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर्स की, उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, तो ये वो उसका डिस्क्रिशनरी बिहेवियर होगा. और वो इम्प्लॉय जो है वो अपने बिहाफ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को या उसको पोर्ट्रे कर रहा होगा. तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इम्प्लॉयज उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट बट विच प्रोमोट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर इस्टेब्लिश होती हैं. अब उसको जिस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके अंदर भी इम्प्लॉयज ज़ाहिर है कि दीवारों का नाम बैंक तो नहीं है ना, जो जो उसके अंदर इम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो असल में वो ही बैंक्स हैं. तो उनका जो बिहेवियर है, उनका सिटीजनशिप बिहेवियर, वही बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है किसी भी एक जगह पे, किसी एक बैंक को. अब इम्प्लॉयज़ ने ही ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना है, तो उन्हीं का बिहेवियर और उन्हीं की चीज़ें मैटर करेंगी टूवर्ड्स दी कस्टमर रिटेंशन, और उनके लिए ये सारी चीज़ें ही मैटर करेंगे. तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर यही है कि अनऑफिशियल या ऑफिशियल बिहेवियर तो एक अच्छा रिक्वायर्ड ही होता है, लेकिन अनऑफिशियल भी एक अच्छा रेपुटेशन हो वो पोर्ट्रे करें फ्रॉम. तो ये उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर कहलाता है. अब इम्पॉर्टेंट जो बिहेवियर रिक्वायर होते हैं किसी भी एक जगह पर, तो OCB जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, देन जॉब सेटिस्फेक्शन है. इंडिविजुअल जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज और हर जॉब के वो सेटिस्फाइड रहे. जो भी एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो वो खुशी खुशी काम कर रहा होगा और खुशी खुशी आपके कस्टमर्स को डील कर रहा होगा. तो जॉब सेटिस्फेक्शन वो इस चीज़ के इसको शो करेगी. देन वर्क प्लेस मिसबिहेवियर्स भी हैं. मिस बिहेवियर्स में एनी इंटेंशनल एम्प्लॉय बिहेवियर दैट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एनी इंटेंशनल एम्प्लॉय बिहेवियर जिसका जो आउटकम है वो आपका नेगेटिव चला जाए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए एक वर्क प्लेस के ऊपर, तो वो उसका वर्क प्लेस मिसबिहेवियर कराएगा. सपोज एक एम्प्लॉय को बहुत गुस्सा आता है तो एट वर्क प्लेस भी वो कस्टमर के साथ गुस्सा होना शुरू हो जाए तो ये वर्क प्लेस मिसबिहेवियर होगा. यानी कि उसका हमने उसकी असल में उस आदत को या उनको उसके बिहेवियर को रीमॉडिफाई करना होगा क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है. उसको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उसको साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाता है, उसको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सारी कोशिश क्यों हो रही होती है ताकि उसका जो गुस्सा है या वो जो एम्प्लॉय है वो एट द वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा अच्छे तरीके से काम कर सके और अच्छी अपनी आउटपुट दे सके. तो मिसबिहेवियर्स असल में एग्रेशन भी है जिसको एग्रेशन के एलिमेंट कहते हैं. देन टाइप्स ऑफ मिसबिहेवियर जैसा सभी यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें डेवियंस है. ये डेवियंस का मतलब है कि आप असल में होता है कि एटीट्यूड और जो बिहेवियर के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम लोग डेवियंस कहते हैं. तो डेवियंस में आप ये नहीं हट जाते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज को, चीज़ों को आप मानते नहीं हो,
क्या ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर कस्टम्स को या जो नॉर्म्स हैं और जो इस्टेब्लिश हुई हुई हैं उनको आप डिनाई करते हो, तो ये डेवियंस है, यानी कि हट जाना, वो काम से डिनाई करना, तो ये डेवियंस है। टाइप्स ऑफ मिसबिहेवियर में यही है कि डेवियंस होगी, एम्प्लॉयज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की बात को मान नहीं रहे होंगे, किसी मैनेजर की बात को मान नहीं रहे होंगे, डेवियंस शो कर रहे होंगे। एग्रेशन है, यानी कि उनके अंदर गुस्सा पाया जाता है, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एम्प्लॉयज भी आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, कस्टमर्स की बात बाद में आएगी, लेकिन एम्प्लॉयज आपस में लड़ रहे हैं तो ये इनका एग्रेशन का एलिमेंट है कि किसी भी ये मिसबिहेवियर्स में आता है। देन एंटी सोशल बिहेवियर, लोग आपस में यानी कि आप नाराज होकर बैठ जाएं, एंटी सोशल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, लोग सोशल नहीं होते, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, यानी एक एम्प्लॉई है वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, उसको और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, तो वो भी एक अच्छा बिहेवियर नहीं है, वो एंटी सोशल बिहेवियर कहलाता है। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो और उसके बाद फिर वायलेंस है, वायलेंस में जैसे बुलिंग है या तशद्दुद है, किसी को ये एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे एम्प्लॉयज के ऊपर तशद्दुद करना शुरू हो जाएगी, उसकी वायलेंस कहलाती है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है इसमें एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड लर्निंग है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, एटीट्यूड है, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल, देन पर्सनैलिटी है जो कि टाइप ए टाइप बी के अंदर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की, कि ये एक टाइप ए है, टाइप बी है, और तो इनको किस तरह से, या इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, तो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। एंड परसेप्शन है एम्प्लॉयज की, कि जाहिर है कि जिस तरह के एम्प्लॉयज होंगे, जिस तरह की वो ग्रूमिंग होगी, जिस तरह की इन्वायरमेंट से वो आ रहे होंगे, जिस तरह से लोगों के साथ वो ट्रीट कर रहे होंगे, तो उनकी परसेप्शंस उस बेसिस के ऊपर ही डेवलप हुई होंगी। अब परसेप्शन एम्प्लॉयज की रिगार्डिंग एनीथिंग, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज की परसेप्शंस डिपेंड कर रही होती हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। हर एम्प्लॉय, आप लोगों के भी जिस तरह से परसेप्शंस डेवलप हो जाती हैं किसी भी एक कोर्स को लेके, या हमारी किसी भी एक टीचर के बारे में परसेप्शंस डेवलप हो जाती हैं, तो ये परसेप्शंस डेवलप जो होती हैं ये कुछ ना कुछ बेसिस होती हैं, कुछ ना कुछ इवेल्यूएशन क्राइटेरियाज होते हैं, या एक ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस टीचर के बारे में या किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में बड़ा हाईलाइट किया जाता है, या उनके बारे में एक मशहूर हो जाता है, परसेप्शन डेवलप हो जाती है किसी एक टीचर के बारे में ये बहुत सख्त है, तो ये परसेप्शन डेवलप हो गई है असल में, वो किसी न किसी बेसिस की वजह से, किसी न किसी वजह की वजह से वो परसेप्शन डेवलप हुई भी होती है, या थिंकिंग लोगों की डेवलप हो गई भी होती है रिगार्डिंग एनी पर्सनैलिटी या रिगार्डिंग एनी पर्सन। तो एक लर्निंग है, लर्निंग के अंदर भी हम लोग कुछ थियरीज पढ़ेंगे, चार फैक्टर्स हैं, और ये इंश्योर करते हैं जो कि अगर हम लोगों ने मॉडिफाई करने हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, परसेप्शन और लर्निंग, ताकि उनकी एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके, एब्सेंटिसिज्म को रिमूव किया जा सके, टर्नओवर को कम किया जा सके, देन ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर लोगों के अंदर लाया जा सके, एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज में लाई जा सके, एंड वर्क प्लेस मिसबिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इम्प्लॉयज के बिहेवियर के। इसके अलावा भी एटीट्यूड, यानी कि जो वाले ऊपर पढ़े हमने, और उनके उनकी थोड़ी सी डिटेल है, एटीट्यूड क्या होता है, इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं, इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल हैं एटीट्यूड, और कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स, और एटीट्यूड को कहते हैं इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें जिसमें अपने वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल, इनके हर एम्प्लॉय की परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग, यानी आप पूरी क्लास की भी वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, किस तरह से आप लोग सोचते हैं, कुछ लोगों में अपने काम से ज़्यादा ताल्लुक रखेंगे, कुछ लोग काम को कम के अपनी एंटरटेनमेंट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं नजर आएंगे, तो ये वे ऑफ थिंकिंग है कि अपनी जो हम अपनी लाइफ को किस तरह से असल में देखते हैं, और एटीट्यूड हमारा क्या है टूवर्ड्स दी वर्ल्ड। तो इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं एटीट्यूड,
या वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल भी कहते हैं, इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स पीपल और इवेंट्स, यानी कि जो भी आप इवेल्यूएशन अपने जहन में क्रिएट करते हैं तो वो आपकी आपका एटीट्यूड कहलाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, जो अब आप वे ऑफ थिंकिंग तो देखेंगे तो आपके जहन से ज़्यादा उसका ताल्लुक होगा। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट, देन अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, ये तीन कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक एटीट्यूड के, जो कि वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल है, द बिलीफ ओपिनियन नॉलेज और इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय अ पर्सन, ये कॉग्निटिव होगा, यानी कि जो उसके जहन का हिस्सा है कि जो वो यकीन करता है, बिलीव करता है, उसके बिलीव्स क्या इस्टेब्लिश हो गए हैं, ओपिनियंस उसकी क्या जनरेट हुई हैं, उसका नॉलेज बैकग्राउंड क्या है, और इंफॉर्मेशन जो कि उसके पास है स्पेसिफिक है, या इंफॉर्मेशन के सोर्सेज जिनको वो फॉलो कर रहा है वो क्या है, तो ये उसके कॉग्निटिव कंपोनेंट जो होते हैं एटीट्यूड के, वो इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसके कोर जो पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं। देन इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, अब जैसे फीलिंग पार्ट या इमोशनल पार्ट है, कि हम लोगों का ये थिंकिंग, यानी हम लोगों की जो दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के अंदर लोगों के साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स हो जाती हैं, तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। किसी भी एक, हम लोग उसको उसको बड़ा रिगार्ड करते हैं, किसी भी एक जगह पे दोस्ती हो जाए तो हम लोग उसको रिगार्ड करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं और अपनी लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी एक दोस्ती को, तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इम्प्लॉइज की जो दोस्ती है उसको भी बड़ा इनक्रेज किया जाता है, और एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बुनियाद जिसको कहा जाता है वो आपकी फ्रेंडशिप ही है, कि एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करते हों और उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो, और यही असल में रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट कहलाता है कि इमोशनल और फीलिंग पार्ट ऑफ एन एटीट्यूड या आपका इफेक्टिव कंपोनेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो भी इन कॉग्निटिव कंपोनेंट्स को, कि उनके बिलीफ ओपिनियंस नॉलेज वो अच्छे इस्टेब्लिश हों, और उनका इमोशनल अटैचमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि जिस जगह पर आपकी दोस्ती हो जाती है एम्प्लॉइज की आपस में, उस जगह पर काम करना भी आप लोगों आप अच्छा महसूस करते हैं, और बेशक आप, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक अच्छा जहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉइज कम सैलरी पर भी काम करना पसंद कर रहे होते हैं, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, काम करने में मज़ा आता है, लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ होता है। लेकिन अगर जहाँ पर कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक अच्छा इस्टेब्लिश नहीं होता, तो स्ट्रेस बेस्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड होता है, लोग एक दूसरे के साथ ठीक तरह से बात नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पर ज़्यादातर टर्नओवर रेट भी ज़्यादा होता है, या मैनेजर एक दूसरे के साथ ठीक तरह से बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉइज के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर लोगों का टर्नओवर भी ज़्यादा होगा, लोग वहाँ पर छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इफेक्टिव कंपोनेंट ये है कि आपका वो इमोशनली और जो फीलिंग पार्ट जो होता है वो उसका वो असल में कहलाता है आपका इफेक्टिव कंपोनेंट। देन बिहेवियरल कंपोनेंट है द इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे, लोगों की ये इंटेंशन कि वो एक खास तरीके से ही बिहेव करें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव्स में भी शामिल है। तो बिहेवियरल कंपोनेंट इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे बिहेवियरल कंपोनेंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन इज अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम अर्न्ड एंड बाय द टाइप ऑफ जॉब अ वर्कर डज, और जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों का ताल्लुक है। जॉब सेटिस्फाइड सेटिस्फेक्शन होगी एम्प्लॉइज के अंदर, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही में जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटिसिज्म है, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन होगी तो एब्सेंटिसिज्म कम होगी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉई, यानी शो करेगा कि वो जबकि एब्सेंटिसिज्म ज़्यादा होगी तो ये शो करेगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है एम्प्लॉइज की, और जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टर्न ओवर सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज है लोअर लेवल्स ऑफ टर्न ओवर, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज है हायर लेवल ऑफ टर्न ओवर। तो और उसके बाद ये टर्न ओवर, ये यानी कि एम्प्लॉयज आपको किस तरह से छोड़ जाते हैं, देन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही नहीं ही जॉब सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि एम्प्लॉयज खुश होंगे, ये जॉब से सेटिस्फाइड होंगे तो वो एट दी एंड कस्टमर को भी अच्छे तरीके से डील कर रहे होंगे और उनको भी सेटिस्फाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। और
ये स्लाइड भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे यही चीजों को डिस्कस कर रही है. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस मिसबिहेवियर्स डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉइज, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किया है कि डिससैटिस्फेक्शन जिसकी वजह से आ जाती है, लोगों के मिसबिहेवियर्स की वजह से आ जाती है. अब जॉब इन्वॉल्वमेंट, अपने वर्क ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव होता है कि एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व रखा जाए ताकि वो एट द वर्क प्लेस उनको पॉलिटिक्स करने का ना टाइम मिले, तो वो इन्वॉल्व रहें. जितना इन्वॉल्व रहेंगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन का जो स्ट्रेस मैार है वो भी बढ़ता जाएगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा.